लखनऊ में आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि एफएसएल की टीम और मद्य निषेध विभाग के जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा जांच कराया जा रहा है। विधानसभा में जहां खाली बोतलें बरामद हुई थी, वहां आपको बता दें कि मुख्य सचिव और डीजीपी जो हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोग जाँच कर रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो सत्ता पक्ष पर हमलावर था विपक्ष, और उसके बाद तमाम अधिकारी डीजीपी और जो मुख्य सचिव हैं वो पहुंचे हुए हैं। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जांच डीएम एसएसपी और अपर मुख्य सचिव और डीजीपी खुद इस चीज़ को देख रहे हैं। और तमाम लोग, आपको बता दें कि डीजीपी का कहना है कि अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और मुख्य सचिव जो है उनका कहना है कि आप विधानसभा सत्र के दौरान और अभी के दौरान अन्य दिनों की तुलना करें तो विधानसभा सत्र जब चलता है और अन्य दिन जो होता है तो सुरक्षा में आसमान ज़मीन का अंतर होता है, इस तरह की बात मुख्य सचिव का कहना है। और देखिए मुख्य सचिव खुद, डीजीपी, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर किस तरीके से छावनी बना लिए हैं और जो जाँच है वो की जा रही है। डीएम, एसएसपी, मुख्य सचिव और डीजीपी, ये तमाम लोग जांच कर रहे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एफएसएल की टीम और मद्य निषेध विभाग की जो स्पेशल टीम है वो यहाँ खुद पहुँची हुई है और जांच कर रही है। इसके सिंघल जो डीजीपी हैं और मुख्य सचिव, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। बातचीत अभी की गई है, जहाँ से जो बताया गया है वहाँ पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएं। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको बता। आप मानते हैं कि आसानी से ये शराब की जो बोतल है वो कहीं भी पहुंचाया जा रहा है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं है। वहाँ पे जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब बुलाया गया। सर बड़ी चूक मानते हैं, सर बड़ी चूक मानते हैं कि विधानसभा परिषद के अंदर अगर शराब की बोतलें आती हैं तो ये बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर? बड़ी चूक है सुरक्षा को लेके जी सर, क्योंकि गेट पे चेकिंग होता है, वहाँ हमेशा पुलिस के फोर्स जवान खड़े रहते हैं। चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया, टोका गया है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए खत्म कर दी जाती है शाम को, तो उस वक्त अब थोड़ा बहुत मूवमेंट इधर उधर होता ही है, इस परिसर से के थ्रू मूवमेंट होता ही है। तो जब विधानसभा यहाँ पर नहीं चलती रहती है उस वक्त की सुरक्षा की इंटेंसिटी जो है वो, और जब विधानसभा चलती रहती है, इन दोनों के इंटेंसिटी में तो बहुत फ़र्क है। तो हो सकता है जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके भाप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है, ठीक है ना। जैसा अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, विधानसभा के परिसर में मिल जाए ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। तो सरकार को बदनाम करने की ये साजिश का अब मकसद क्या है ये उस पर कहीं बोतल पर लिखा हुआ तो नहीं आया, किसी ने बताया तो नहीं है मुझे, अब इसका आप अनुमान लगाइए, ठीक है ना।